कोई परिवार वालों का दुख समझ सकते हैं, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख नहीं समझ सकते। तो इन्होंने हवाई जहाज भी बेच दिए हैं, और हवाई जहाज जहाँ खड़े होते हैं वो हवाई अड्डे भी बिक गए हैं, और महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि अब आपकी गाड़ी और मोटरसाइकिल नहीं चल सकती है। कभी किसी ने कहा था कि झोला लेकर के चले जाएंगे, बाजार जाते हैं अपने झोले में सब्जी, अपने झोले में सामान लेकर के आते हैं। इसलिए हमें पता है कि महंगाई क्या है, और ये महंगाई जानबूझ करके बढ़ाई जा रही है। न जाने कहां से ये बुलडोजर वालों के बुल आ रहे हैं। बुल तो समझ गए हो कि नहीं समझ पा रहे हो, तो बताओ बुल और बुलडोजर हटाओगे कि नहीं हटाओगे। ये पहली बार लीक नहीं हो रहे पेपर, इस सरकार में न जाने कौन सा लीकेज है जो लीक ही हो जा रहे अखबार। न जाने क्या कर दिया इन्होंने, 100 से 112 हमारी पुलिस का भी कबाड़ा करके पुलिस को भी खराब कर दिया। उनकी पार्टी के लोगों ने किसानों जो हक मांगने गए थे उनके बहू पर जीप चढ़ा दी, क्योंकि ये मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना ही नहीं जानते। और जो मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाना नहीं जानता वो तो बताओ नौजवानों के भविष्य बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप नहीं दे सकता, क्योंकि उनकी जाति कागज पे है, कागजी जाति है उनकी। वो जानते हैं कि जिस समय गिनती हो जाएगी तो उनकी पोल खुल जाएगी, इसलिए वो जाति जनगणना नहीं करना चाहते हैं। प्लांट का जो बोला जाता है वो है 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। बताओ हमारे बाबा मुख्यमंत्री बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, हम सब धर्म मिलकर के रहते हैं। ये मिली जुली हमारी संस्कृति है, यही हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है। इसी संस्कृति को खत्म करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी